नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। दोस्तों आज का भजन श्यामा आन बसो वृंदावन में, और मेरी उम्र बीत गई में, बहुत ही लाजवाब भजन है। और दोस्तों इसका जो पैटर्न है उसको बजाने के लिए हम गा धा नी कोमल यूज करते हैं। गाधानी अगर कोमल यूज करते हैं तो आप देखिए, अब आप लोग सीख रहे हैं तो मैं ये चाहता हूं कि जब गाधानी कोमल की बात आए तो आपके दिमाग में फटाक से घंटी बजनी चाहिए कि गाधानी कोमल थाट आसावरी। ठीक है, तो गाधानी कोमल गानी काफी गाधानी आसावरी। ठीक है, और साथ में इसमें हम जो धा शुद्ध है इसका भी यूज करेंगे, यानी ये कह सकते हैं कि थाट आसावरी प्लस धा शुद्ध, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नीचे मंत्र सप्तक में मैं आऊं तो हमारा ये नी यूज होगा, नी ये कोमल रहेगा, नी सा रे गा मा वा धा नी सा नी धा पा मा धा रे सा, और ये धा शुद्ध भी हम इसमें यूज करने वाले हैं, अंतरा में ये काम आता है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो पैटर्न है श्यामा आन बसो वृंदावन में, एक डिट्टो एक प्रार्थना है जिसको इस अंदाज में लोग बहुत बार गाते हैं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, तो ये भी सेम है। और इसके अलावा एक गणपति जी का भजन और है, महाराज गजानंद आओ नी, ओ मारी सभा में रस बरसाओ नी, तो ये तीनों है श्यामा आन बसो वृंदावन में, वह शक्ति हमें दो दयानी दे, और तीसरा हे गणपति महाराज गजानंद आओ जी। ठीक है, तो ये तीनों का जो पैटर्न है अंतरा स्थाई सेम टू सेम है, यानी आप ये भजन आप सीख लेते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, इसके लिए किसी बंधु का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज या कमेंट नहीं आना चाहिए कि वह शक्ति का हमें आप नोटेशन दीजिए, सेम टू सेम है। तो मेरे दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं, किस प्रकार से है शुरुआत मैं यहां से कर रहा हूं, सा बहुत आसानी से आप करेंगे, बहुत इजी है। ओ श्यामा आने बसो वृंदावन में, देखिए यहां से श्यामा आने बसो सीधा गा कर रहे बसो वृंद सा गा मा गा बसो वृंदावन में, पापे थोड़ा ठहराव है दावन में, ने पे मैं धापे गया ने सारे सानी सा गा मा गा मा पा धा पा मा गा
मा मा गा रे सा, सिंपल है, कुछ भी खास नहीं है। तो बिल्कुल स्लो में समझिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं सा रे सा नी सा आपको ये बता ही दिया है कि ये सा है, ये रे है, ये गा है, मा पा धा नी धा शुद्ध और नीचे नी। तो आप लोग ये चीज देखें कि जरूरी नहीं है कि मैं उसको सरगम में बोलूं। आपको ये पता है कि ये रे है तो इस पे मेरी उंगली जा रही है, तो उसको देखें। स्लोली मैं बताने की कोशिश करता हूं, आपको इजीली समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरा जो इसकी, ओ श्यामा ओ श्यामा ओ श्यामा रसते में, पा से सीधा गया मैं नी पर और नी भी कोमल। ओ श्यामा रसते में बाग लगा देना, श्यामा श्यामरसते में मधापा रस, श्यामरसते में बाग पधापा मा बाग लगा देना, पानी धापा। और धाप मैं कोमल ले रहा हूं, लगा देना लास्ट में। पहले मैंने क्या, ओ श्यामा रसते में, तो मैंने धा शुद्ध लिया, और लास्ट में जब किया लगा देना, यहां पर मैंने धा कोमल यूज किया। ओ श्यामा रसते में बाग लगा देना, फिर वही फूल तो पैटर्न आ गया। वो फूल में मेरी उम्र बीत बीत गई, वो फूल में वही पैटर्न आ गया। फूल बीनूंगी मैं तो तेरी माला के लिए, वही चीज है, फूल बीनूंगी तेरी माला के लिए। तो ये पैटर्न तो सेम आ गया, सिर्फ अपने को क्या सीखना है अंतरा में, यहां से पा नी धा पा और पाधा पामा, फिर पा से सीधा नी धा पा, बस ये चीज सीखनी है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। देख लीजिए अंतरा, मैं रिपीट कर देता हूं, फिर पूरे को एक बार रिपीट करते हैं और फिर श्यामा रसते में बाग लगा देना, श्यामा रसते में बाग लगा देना, फूल बीनूंगी
सीखना है, आपके तीन भजन या कहूं मैं सॉन्ग आपके तैयार हो जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप इसको तैयार करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई चार्ज नहीं है मैं दोस्तों। और आप लोग पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं, अगर पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई ऑप्शन दोनों हैं कोई बाउंडेशन नहीं है। और हाँ, आप एक कमेंट अगर कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बस अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।